एकड़ी हदीस पाक में हुजूर खुद इरशाद फरमाइए था कि अल्लाह तबारक व ताला अन वासिल बिन असका, वासिल बिन असका सहाबी रसूल है, रिवायत करिए था, काल समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन अल्लाह हस्तफा किनाना मिन वलद इस्माइल वस्तफा कुरैश मिन किनाना वस्तफा मिन कुरैश बनी हाशिम वस्तफानी मिन बनी हाशिम। हुजूर फरमाइए था कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसान में जाती चुंडे कि इंसान का मणी थी अशरफ है, लकद कदमना बनी आदम जो ताज इंसान थे, इंसान मणी कता ऊंची मखलू पर इन्हीं इंसान में तबका थी, अल्लाह ताला खानदान बनाए ने, कबीला बनाए ने। हुजूर फरमाइए था सजे इंसान में अल्लाह ताला गोते चुंडे के ऊंचे में ऊंचो खानदान के हुए, जिन खानदान जो ऊंचाई है के हर इंसान तस्लीम करे। हुजूर फरमाइए था खुदा की कसम अल्लाह ताला मिनी इंसान जी जमात में जा चुंडे अने इस्माइल अलैह सलाम जे घराने के खुदा पसंद फरमाए। इस्माइल जी औलाद, वो इस्माइल जी कई औलाद हुई, उनमें जाती किनाना कौमे कौमे किनाना के किनाना कबीले के हुजूर फरमाइए तो अल्लाह पसंद फरमाए। वो इन किनाना में कई लड़ियों ने कई पेटा जातू हुई हूं, इन्हीं में जा अल्लाह ताला जो महबूब फरमाइए था कि खुदा कुरैश के चुंडे, तो कुरैश जब वड़ा खानदान एकड़ो बनु उमैया भई बनु हाशिम। हुजूर फरमाइए था अल्लाह आदम जी नस्ल में जा इस्माइल के चुंडे, इस्माइल जी नस्ल में जा किनाना के चुंडे, किनाना जी नस्ल में जा कुरैश के चुंडे, कुरैश जी नस्ल में जा बनी हाशिम के चुंडे, बनु हाशिम जा कई घर हुआ उन्हीं घरे में जा अल्लाह ताला हजरत अब्दुल मुत्तलिब अने मुजी मां आमिना जे घर के अल्लाह मूला करे मखसूस फरमाए ने। हुजूर फरमाए रहा है इतने किन रीते हुजूर जो मुकाबिल कायनात में कोई न थी। وانا ابي هريره رضي الله تعالى عنه حضرت ابو هريره روایت کریے تھا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوستم من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه। حضور فرمائیے تھا جی اللہ تعالی زمانے بعد زمانہ جو کو صدی 100 ورے تھی ایکڑو زمانو بولا جے 100 ورے متھے صدی جو لفظ بولا جے। حضور فرمائیے تھا آدم علیہ السلام زمین تے آیا 100 साल गणी दा वयो आदम जा 1000 वरे हजरत नूह जा 900 वरे हजरत शीस जा 1100 वरे गणी दा वयो इन रीते 100 साल चींदा व्या पर कोई जमानो अल्लाह ताला चुंडी दो रयो के एड़ो क्यों झुके जे में मुजो मोहम्मद हलाया। आदम जो झुक आयो हजरत नूह जो झुक आयो हजरत शीस जो झुक आयो दमदमाना अचीदा रहा। हुजूर फरमाइए था जे बेहतर में बेहतर जमानो चढ़े आयो तदे अल्लाह ताला इन मोहम्मद के आमिना जे घरे पैदा फरमा। भई हदीस बुखारी में हुजूर फरमाइए था खैरुल करून करनी ऊंचे में ऊंचो जमानो है ई मुजो है। पर तमाम जुग में ऊंचे में ऊंचो जुग मोहम्मद मुस्तफा जो हेकड़ो, तमाम खानदाने में ऊंचो खानदान मोहम्मद मुस्तफा जो। हुजूर नबी अकरम खानदानी लिहाज से ऊंचा नस्ल आदम में, जमाने के लिहाज से ऊंचा पूरी इंसानी कायनात में अने खुदा के जमाने में। वो अल्लाह जो रसूल सलातो वसलाम इरशाद फरमाइए था जे खुदा ताला मुखे पाक पुश्ते में जा कढे, ये जो को पुश्ते इंसानी नस्ल जिता अच दे पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आऊं आयो या हजरत आदम अलैहि सलाम जी पुश्त में मुझो नूर को मुंतकिल थींदो थींदो जेड़ी तेड़ी पुठ खुदा मूला ना चुंडे और जेड़ी तेड़ी पुठ में जा पैदा ना थे उसे नस्लम बाद नस्लन बेहतरीन में बेहतरीन पुठू अल्लाह मूला पीढ़ियों तलाश कर अने इन्हीं पीढ़ियों पुठे में बेहतर बतन रहम जे में अल्लाह ताला मुझे नूर के रोशन फरमाए। यानी मर्द अने औरत के मेलाप बगैर इंसानी वजूद कायनात में इंसानी वजूद जो जन्म न थिए। हुजूर फरमाइए था मुके बापा खपे माँ खपे जसद इंसानी जे साथे तशरीफ गिनेला मुझो नूर उन वक्त रोशन हो अल्लाह ताला पुठ तलाश कर बेहतर पुठे में जा पाक पुठे थी पाक रहमे में अल्लाह मुंतकिल कहे हत्ता के ऊंचे में ऊंची पुठ हजरत अब्दुल्ला जी चुंडे अने ऊंचे में ऊंचो बतन हजरत सैयदा आमिना जो अल्लाह ताला चुंडे।
हुजूर फरमाई था हाँ मुझे पुठ ही मोहम्मद इबन अब्दुल्ला इबन अब्दुल मुत्तलिब इबन हाशिम बिन अब्द मिनाफ बिन कुसी बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फार बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजर बिन अब्द इबन अदनान 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 सूदी हुजूर फरमाइए था अल्लाह ताला पीटी मुला करे बेहतर चुने हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह जय्यद आशिक रसूल वक्त जो इमाम इमाम अजल जैसी अजीम तफसील अज पण तमाम मकातिबे फिक्र पढ़ाइए था अकीदे के लिहाज से कोई पड़े मकतबे फिक्र जो हो चाहे पिंड के उ जमात अहले हदीस से चाराइंदो हो चाहे जमात अहले सुन्नत से चाराइंदो हो चाहे जमात देवबंद से चाराइंदो हो गमेन मसलक ने गमेन रीते पिंड पिंड जी और खान रख दो हो पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जी एकड़ी तफसीर अब्दुर्रल मंसूर तफसीर कुरान मजीद जी टोटल मकाते बे फिक्र पढ़ाए रहा है हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती एकड़ी किताब लिखियो रसूल अल्लाह के खानदान के बारे में हुजूर जा बापा केड़ा हुजूर जा मां केड़ा हुजूर जी नानी केड़ी हुजूर जी पर नानी केड़ी हुजूर जा दादा केड़ा पर दादा केड़ा 55 पुश्तू हजरत आदम सुदी चुंडे ने खणी आया 55 मर्द ने 55 औरतों अल्लाह के रसूल जी खानदान मतले खानदान ला इमाम जलालुद्दीन सुयूती तहकीक क्यों तखरीज क्यों इस्तिंबात क्यों किताब जखीरो बनाए लिखी मुसव्वदो कच्चो तैयार करे पिंजी लाइब्रेरी में रखी देनो कोई प्रिंट मशीन ना है के जदा शाय थिए पिंजी लाइब्रेरी में पियो है ई जलालुद्दीन सुयूती किताब लिखियो मसालिकुल हुनफा फी वालिदिल मुस्तफा किताब लिखी रखी नो एकड़ी रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंतेर फेरा बन जो दीदार फरमाए नारे तकबीर नारे रिसालत सिंतेर फेरा हुजूर बन जो दीदार अता क्यों सिंतेर एकड़ी रात में अरे एकड़े दीदार ला करे दुनिया तरसेती रही सिंतेर मर्तबा रसूल अल्लाह जो दीदार नसीब थियो एकड़ी रात में खुश नसीब वो अक जे के हिकड़ी रात में ही तबर्रुक अने ही फैज नसीब थे हिकड़ी रात में जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अदब नारज करिए ता या रसूल अल्लाह मुके हेडी करम नवाजी अता फरमाया है ना आउ ते को अदना मौलवी या हेडी करम नवाजी दुनिया ते हिकड़ी झलक ला तरसेती रही अने हिकड़ी रात में इतरो करम क्या हुजूर मुस्कुराए ने फरमाइए ता जलालुद्दीन तू मुझे मतले खानदान की अजमत बयान कहे है पाक पुठे के बयान कहे पाक रहमे के बयान कहे मुझे खानदान के बयान कहे मुझे नस्ल के खुदा चुंटे ने पैदा के इनकी फजीलत बयान कहे इतना दुनिया में आचर दिया तो कयामत में इल्तिये वधीक आऊं ने मुझे खुदा अजर अदा फरमाए जरा बात तो जो आवाज तो मत कर ना आऊं वही रहूं तो सब आई सोचियो के ई हुजूर जो खानदान भला केर हुजूर जड़ो थिए आई को एड़ो जो को हुजूर जड़ो थिए बामिजा इंसान ने मानो जात में अच्छा आई ने आऊं ना अल्लाह ताला फरमाए तो आए था या इस बासफीहिम रसूलम मिनहुम इन्हीं में जाज रसूल है कोई अलग ना आए तो इन्हीं जोज रसूल पर इनकी शान ये ई तो हुई है इन जेड़ा नहीं इंसान जो कोई ना इता कोई इन जड़ो ना है पड़ी आदतें अने अखलाके में पड़े नहीं जड़ो ना है ये आए नहीं में जा नस्ले इंसानी में जा हजरत मलक जिब्राइल आला हजरत फाजिल बरेलवी यूसुफ बिन इस्माइल नबानी रिवायत करिए था आला हजरत फाजिल बरेलवी अल अमन वल उला किताब जी पहली हदीस स्टार्ट फरमाइए था सजी किताब इनते लिखे हो नो हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नभानी अलै रहमत व रिजवान जो को अरब जा अजीम शान शेखुल हदीस वा ई किताब लिखे ता रे इन मौजू मते अने मौलाना मखदूम हाशिम नगर ठठवी सिंध वारा किताब लिखे हो इन मौजू ते अजीम शान औलिया ने बुजुर्ग किताब लिखे हो नो हुजूर अलै सलात व सलाम इनी में जा पण हुजूर एकोडी हजरत जिब्राइल के पूछे हो हजरत जिब्राइल के इंसाने में ऊंचे में ऊंचो तबको इंसाने में ऊंचे में ऊंची क्वालिटी इंसाने में उम्मत में मिणी की टॉप दर्जे जा उम्मती हजरत अबू बकर सिद्दीक अफदरुल बशर बाद अल अंबिया बिताकी अबी बकर सिद्दीक
حضرت ابا بکر صدیق اجنی سودی کلمو جکی پڑھے دا اچے تا نبی پٹھیا اونچو ویکتی اگر دنیا متھے کویا ہے تا ابا بکر صدیق جی ہستی ہے حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کوڈی ابا بکر کے چیتا یا ابا بکر قتل غیر ربی وقال فی مقام آخر یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی اے ابو بکر ان محمد جی عظمت شان فضیلت رتبہ کتنا اونچائی ان محمد کے خدا سوا بے کوئی نہ اڑکے مجھے اصل حقیقت کے مجھے رب سوا کوئی نہ اڑکے ہکڑو ہلو ابو بکر نہ اڑکیا جبرائیل تو اڑکیا ہوندا اللہ جو نوری فرشتو ہے نور وارو ہے ای اڑکے ہوئے اللہ جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک اوڈی حضرت جبرائیل کے پوچھا گیا یا جبرائیل اے جبرائیل عمر کتنی تو جی حضرت جبرائیل کہیں یا رسول اللہ عمر تے ایگزیکٹلی دھیان نہ ہے مکے پن اوٹھا ہی اوٹھا ہوئے اوٹھا رکھے آئے جنہوں کترے ورے جو آؤں ہیں اوٹھا ہی باقی لکھل کیڑوں کی یاد نہ ہے مطلب پرفیکٹ نہ چاہی سکا اوٹھو اکڑو وڈو رکھے ہوئے حضور فرمائیے تھا کڑو اوٹھو رکھے چے یا رسول اللہ عرش نیچا جو کو برج عظمت ہے خدا جا بارو برج جو کو عظمت ہے انہیں انمت صوفیہ جی کئی گالو ہیں بیرے کیفی ایک الگ موضوع ہے جو کو قرب انہیں عظمت جو کو منزل ہے عرش نیچا اکڑو تارو نکر دو سی ایون برج عظمت میں جا ظاہر تھی ہے تارو رہے ہو نہیں روشن تھی ہے ای تارو اکڑو روشن تھی ہے ان جی روشنی ای تارو اولین سنتیر ہزار ورے بٹھیا اولین کترے ورے بٹھیا آئی تک ہی کچھ ہو سنتیر ہزار ولے سج کڑے اولے تو مدارے مدارے پندرو کلا سیارو ہوئے تو اوچانے اونارو ہوئے تو سورو کلا سترو کلا بلی بنجن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبرائیل چہتا کہ تارو آؤں ڈس دو سن سنتیر ہزار ورے پٹھیا اولے ہنے اولی ونی نی پاچو نہ رسے جو اولے تو سانجی جو اول دو تی وری بارو تیرو کلا کٹی نے پاچو نے کر دو تو حضرت جبرائیل کہتا ای سنتیر ہزار ورے چمکے کو اولے ای اولن جو زمانو پر سنتیر ہزار ورے وری بیار سنتیر ہزار ورے پورا تھی تبے اگے وری اگدل ان جی چمک رہے سنتیر ہزار ورے وری سنتیر ہزار ورے اولے چھپی رہے ای تارو سنتیر ہزار ورے اگے سنتیر ہزار ورے اولے ان کے اگ دے اول دے آؤں باؤں تیر ہزار مرتبہ ڈٹ ہوئی ہے کترا ورے تھے کلکولیٹر ختم دی ویدہ او ہو ہو حضور مسکرہ نے فرمائی ہے تو یہ دو چنو باؤں تیر ہزار ورے ان تارے کے اگ دے اول دے ڈٹے ہیں یہ دو چنو ہی ہیں ہاں یا رسول حضور فرمائی ہے تو تو کہ تجربو جنو ماڑو ہی ہے تو تجربو ہے ہوں تو جنو ماڑو ہے ان کے تجربو ہے ہیڈا مڑے ہیڈا ورے ڈٹھے ہیں تو زمانہ ہے ڈٹھے ہوں دے یا رسول اللہ مڑے ڈٹھو مٹی زمین وچھانی تھے تو آؤں ہو سے زمین وچھانی تھے پانی مطلب آؤں ہو سے پانی اللہ دنے ہو تے آؤں ہو سے یعنی مجھا محبوب زمین وچھانی کابو رکھانو بیت المامور جو اکس آئے اللہ تعالیٰ سینٹر میں کابو اتارے یہ مڑے کم مجھے اتھا دیا ہے آؤں زمین اتارے ٹانے بیگو سے کابو رکھے ٹانے بیگو سے آدم جا بارو سو ورے ڈٹھا ارے خالی اترو نا جنت میں حضرت آدم کیے ڈٹھو وری نیچائیں ڈٹھو یعنی کہ منی ریتے اول نبی وٹا کرے حضرت عیسیٰ سودی کوئی زمانو مس نائے کیوں سے انے روٹی مجھے جے نبی ہیں وٹے اللہ جو پیغام کھڑی ہے چھو نیا پو کھڑی خدا جو اچھنو مجھے جو کم ہے بے جی روٹی جنا ہے یہ روٹی جو مجھے ہے یہ خدا جو نیا پو آؤں نبی ہیں کے سنائی ہیں حضور فرمائی ہیں تا یوسف علیہ السلام جو حسن ہے رٹھے ہوں دے یا رسول اللہ مڑے پاڑے آؤں جائیں رٹھو یوسف جو حسن رٹھو بچپن رٹھو کوئے میں چھڑے ہو یہ رٹھے ہو انے مصر میں نور چمکے ہو ان جو زمانو جھر سلام کہیں انے با سجدو کے ہو یہ رٹھو سے یعنی مجھو مڑے ڈٹھل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جی شان کلیمی تورے تی گالوں کہیں دو اللہ سے ہاں یا رسول اللہ بالکل ڈٹھو انہیں کئی ایک وقت تھا یعنی کہ حضرت موسیٰ کے آؤں چاہ کے آج ہنٹارے اچھی جاتور تھے یعنی مڑے مجھو ڈٹھل ہے حضور فرمائیے تھا جبرائیل ہیڈو جنو ہیڈی تو جی جمع ہیڈو تو وٹے تجربو تے میں حسین ڈٹھے جمیل ڈٹھے خوبصورت ڈٹھے
تا زمین آسمان مڑے وچھائیں دے توں ڈٹھے ہے انے ہیڈو جنو ہوئی ہے تا فرشتہ ہے مڑے ڈٹھے ہے چاہا میکائل اسرافیل اسرائیل حاملی نے عرش آئی جکی پن طوافی نے عرشی جکی ہیں منی کے ڈٹھ ہوئی ہیں انے مڑے مجھا شاگرد نہیں آؤں تا منی جو استاد رہی ہیں انے ساتھے ساتھے منی جو رتبو مکی اللہ وڈو ڈنے ہیں منی کے سنجنا منی کے ڈٹھو تا نبیوں وٹے اوڈو ونی نے سنجا دی کہ چھٹے چھٹے دی اور نیا پوڑے انہا لے ہوئے چاہ نانا نبیوں وٹے اوڈو ویو سے سلیمان علیہ السلام جو دب دب و سلطنت وارو ہاں یا رسول اللہ ماکوریوں سلیمان جے لشکر لا آواز نہیں ہے ہی ان کی آؤں نہیں جی شان دے ساوے تو وہ داؤد جی لہن حضرت جبرائیل جاتا یا رسول اللہ کرو اللہ داؤد کی آواز رنے وے داؤد علیہ السلام زبور پڑے تا مچھیوں سمندر میں جا اچھلی لینی جو قرآن سنے پکی اڑتا ہوئے تو بھی رہے قرآن سنے لہ لہنے داؤدی ڈٹھی آدم علیہ السلام جو زمانہ صفات خلافت ڈٹھو حضرت نو جی نجابت ڈٹھی حضرت موسیٰ جی شان کلیمی ڈٹھی حضرت ابراہیم جی خلت زیبائی ڈٹھی حضرت اسماعیل جی شان سبھی ڈٹھی حضرت عیسیٰ جی شان ڈٹھی حضرت یوسف جو حسن ڈٹھو حضرت اسحاق جی شان ڈٹھی یعقوب داؤد سلیمان سکندر یا منی جو زمانو زکریا ہر ایکڑی جی شان نے عظمت ڈٹھی اوڑ کھیو سے حضور فرمائیے تھا کہ ہیڈو جنو ہیڈا شانو ڈٹھے تو ایکڑی گال اج تو کہ آؤں پوچھاں تو کہ جبرائیل ہیڈے سجے زمانے میں ہیڈو پھرل مارو ہیڈو جنو مارو منی سے ملے ہوئی ہے تجرا مکھے نیار پوئے توجے اندر جو کو اللہ کے منجر جو عقید ہو ہے اے جبرائیل ان کے گھوار رکھی نے گال کئی جے موں محمد جڑو دنیا میں کوئی ڈٹھے ای کوئی مولوی کے مفتی کے پیر صاحب اسٹیٹ میں نائے دہی رہے ہو ای کوئی وڈیرو لکھیت میں نائے دہی رہے ہو ملک جبرائیل نوری فرشتو موں جڑو کے ڈٹھے ہاں جبرائیل آپ جواب کو دیترو چاہی دے ہاں نائے دہی موں جڑو کرے میں خوبصورتی میں موں جڑو کرے میں اخلاق میں کردار میں ورتنے میں عادتیں میں موں جڑی آواز وارو موں جڑی سماعت وارو موں جڑی رحم دلی وارو موں جڑی عفت نے مہربانی وارو موں جڑو مہربان علم میں بردباری میں توازو میں انکساری میں عطا میں مغفرت میں خیرات میں صدقے میں رحم دلی میں رافت میں ہر لحاظ سے مانو جات جو جکیوں خوبی ہوئی جکی پر پوزیٹیو ویلی ہوئی انسان جا انی منی ریتے موں جڑو کنا کہہ کے ڈٹے موں جڑو خوبصورت موں جڑو حسین موں جڑو روپارو موں جڑو ہے سارے میں سارو اخلاق نے کردار میں کنا ڈٹے ہیڈو پھرے ہوئی ہیں سوا کمو بیش نبیین وٹے وے موں جڑو ڈٹے حضرت جبرائیل جو کو جواب دینا ہو یہ حدیث میں موجود ہیں حضرت جبرائیل حضور نبی اکرم وٹے ہاتھ جوڑے نے عرض کری تا یا رسول اللہ قلب تو مشارق الارض و مغاربا اعلی حضرت فاضل بریلوی الامن والعلاج ان حدیث تا کتاب شروع کیا ہوئے لو اسماعیل یوسف بن اسماعیل نبانی کتاب لکھا ہوئے ان متے حضور حضرت جبرائیل عرض کری تا کوئی دنیا جو انسان نے معصوم فرشتوں پر جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہوئے حضور اللہ کرے یا رسول اللہ قلب تو مشارق الارض و مغاربہا لم ارا آسن منک یا محمدہ اے مجاہبید تو جڑو حسین مشرق نے مغرب پھرے اسے الٹ پلٹ کرے کائنات نہیں آ رہی پر آ جڑو ڈسر تا چھیٹو تھے ہو اعلیٰ حضرت اگی علی نے فرمائیے تھا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا تجھے یک نے یک بنایا مجھا محبوب آن جڑو کدائے مجھے نظر نہ آئے کدائے نہ آن جڑو اخلاق میں آئے آن میں جاج اللہ چاہے تو آئے انسانے میں جاج آن جیج پریوارے میں نے تیج مکہ میں حلے ہو پھرے ہوئے پرن جی شان نے عظمتی ہے کہ آن جڑو نہ ہے ای تک جبرائیل پن جو اسٹیٹمنٹ لے جنے آنے حضور 40 ورے پٹیا اعلان نبوت کے ہو 40 ورے کل عمر 63 ورے بشری عمر بشری اصل عمر حضور جی کتری ہے یہ انجا باقی ہے حضرت جبریل کیوں آن جڑو کوئی نہ حضور فرمایا تو تارے جو چوندو ہیں ایڈو لمحی تو جی عمر ہے اج کل کے ڈٹھی ہے نہ ڈٹھی یا رسول اللہ ان جو زمانو تھے ہی رہو ہے اگے جو 70,000 ورے اولل پورا تھے آئے پر ہے ور حال فلال کے ڈائی تاروں مکے نظر آئے ہو نہ حضور سر تے امامو شریف بدتا ہو پھر جی پیشانی مبارک دا حضور امام و جراغ ہٹایا یہ پیشانی ظاہر تھی حضور فرمایا جبرائیل مجھے پیشانی میں نیار حضرت جبرائیل نیارے
अने हैरत में अची ने चाता या रसूल अल्लाह खुदा जी इज्जत ने जबरूत की कसम जो को तारो अर्श नीचा उलते उगते 70,000 मर्तबा जी रूटीन वारे के 13,000 मर्तबा देखो ई त तारे जो नूर आजी पेशानी में नजर अचे बेठो हुजूर खली ने फरमाया था जिब्राइल ई कोई बुर्ज यमनी या मश्तरी जो तारो न हो ई कोई सितारो न हो ई अगर चमके होते तो मोहम्मद जो नूर हो जो को अल्लाह जे कुर्ब जे पर्दे में चमके आने ई नूर जमीन ते अची वे हुजूर जेड़ो कायनात में कोई ना एकड़ी गा 40 वरे इतरे हुजूर जी उम्र जो अंदाजो तो पाइन गालता लगाई जिब्राइल तारे के डिसे वारो 13,000 फेरा डठे ने तो तारो पिंड हुजूर तो हुजूर जी उम्र कितरी इनके चवा जे नूरी उम्र और चवा जे नूरी उम्र बशरी उम्र मानो जात ने इंसान ने जो को पांगनी ना है ई उम्र हुजूर जी 63 वरे हन इनी 63 वरे में 40 वरे कढी वे 40 वरे पुठी ऐलान नबूवत के कुरान शरीफ के खणो हदीस के खणो शेर जी किताबू खणो हुजूर अलैहि सलातो सलाम जबल अबू कोबे मक्के में पहाड़ है अजय है इनके उभी ने जिनटाने ऐलान नबूवत क्यों मणे आया हुजूरो बाड़ हाँ नीचा सुने वारा साओ जट नहीं तोरे जाने वारे से इनकी दोस्ती हुई इंजील जो इल्म रखे वारे से अपने निजा संबंध हुआ અને બે રીતે કઈક રાયબે અને કઈક નુજુમીએ સે એની જો વાતાવરણ હો મક્કે વાળા હુઝુર ફરમાઈએ તા કે આઉં અલ્લાહ જો નબી બનીને આયો હે અલ્લાહ જો રસૂલ બનીને આયો હે અને જો કો બુખારી મુસ્લિમ જી હદીસે મે પાસણો તા તે ઈ ઉપાવ નીચા ઈ ચોણ ડાયરેક્ટ ના લથી डायरेक्ट एकड़ो माड़ू चे तो 40 वरे ना कुछ अज कुछ तो क्या अल्लाह जो रसूल बनी ने आयो या ने एकड़े खुदा के मनो ई 360 छडे ने अपराधी बंद करे एकड़ो माड़ू जदे हिंदी ते गाल करे तो जरा एकड़ी गाल ता पूछो तो ऊ पूछा के जे आई अल्लाह जा नबी है ओ खैर ऊ ता पुठिया जी गाल है मनन न मन पण आई नबी है तंजी दलील करो हजरत मूसा अलैहि सलाम नबी चयो तो उनी के अल्लाह एड़ो मौजजो दने जी बगल में हथ वे जे तो नूर एड़ो चमके ये नीवु किलोमीटर सुधी इन जी शोआ वे बगल में ही हथ वे जे हजरत मूसा अलैहि सलाम हथ वे जी ने बगल में जा बार कडे ते विज वेरी जी सेलो एड़ो थी जे नीवु किलोमीटर सुधी इन जी रोशनी फैले अने रोशनी केली फैले के माड़ू जी अंधारी रात में वेनेली सुई वे ये कडक लजी वने मौजजो लकड़ी फेगाई है तो सप बनी वही अजगर हजरत ईसा अलैहि सलाम कोड़ वारे ते हाथ फिरिए कोड़ दूर नाबीना बचपन थी अंधो हुए हजरत ईसा खाली वो आंगन रखी दिए अल्लाह ताला तेरी नूर दे दे मौजजा ने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के मौजजा ने हर एक मखलूक की भाषा जानता दाऊद अलैहि सलाम के मौजजा ने में जो सुरीली आवाज एड़ी हुई पेड़ पौधा मणे हली वेंदा ताई अल्लाह जा नबी आयो तो मौजजो को किंग बता रहे जो को असा के जरा चमत्कार के नमस्कार है किंग बता रहे तासी जरा मनो जे आई किंग आयो हुजूर ने सलातो सलाम खामो चुपा चुप भी रहे एकड़े यार चो मां मौजजो बता रहे हो हुजूर ने पूछ लिया जो मको हो बे यार चो आई नबी आयो तो मौजजो बता रहे हो हुजूर ने चो त्रिया ऐलान कर को एक में के चो नेरा नबी ने आए आगे चोन मौजजो मंगो इतरे पेड़ी दावो छड दी दो नबी ना है नका तो मौजजो बता इतरे में हजरत जिब्राइल आए या रसूल अल्लाह इनके मौजजो नता बता रे हुजूर खली ने फरमाई था जिब्राइल आऊं खुदा जो मोहम्मद या खुदा जे चे वगर साए न तो खणा ई तो मौजजो बता रे जी गाल है तो कोजी बात ने रे अल्लाह जे पैगाम दी रब वाला करो पैगाम दे हजरत मलके जिब्राइल चाहता या रसूल अल्लाह पैगाम खणी जाए हो या अल्लाह आलाए ने इन के मौजजो बता रहे हो तो हुजूर ने सलात सलाम के हुक्म में लियो चंद्र जा टुकड़ा करे वजे ई पुठिया सिज पलटाई पुठिया पेड़ पौधे के कलमू पढ़ाई मणे पुठिया बता रहे कुंडी ने बता रहे अरे इतनी सुधी मस्जिद नबी में चो पूछो पूछो कोर पूछनो है हम मणे जाना तो एकड़ो जानो इम्तियानपुर तो ओबो थी ने चेंगे या रसूल एडो मणे जानो था तो मुझे उठ वणानो है त्रे दी ते चौथा किते हुजूर खली ने फरमाई दा आयो
उठज खपे तुझे। हाँ यार रसूल, हुजूर चवनि था फलाणो वादी, फलाणो जो द्रो है उतां ई पाणी पी निकिरियो है, अने फलाणी जो गुफा है वो नदी अड़ा नाले जड़ो बनल है पखेरा है, इतां उठतो जो निकिरियो है, चाड़ा चढ़ियो थे चढ़ी न सघियो, मुहर अटकी रही से हिकड़े खारी जार जे निढड़ी सुकल तार में, तो जे उठ जी मुहर अटकई पई है, अने नथ नया नया विधे हुए पीड़ा क्यों थे ना तो छिबी दई ने उठ निकिरी वे, पर पीड़ा जे कारण उते जो भो है, अने उठ जो मोह हेडा है मुआर ही है दिसा हुजूर बता रहे ई उता दी निकरी उन वादी में जेड़ो आयो तो जी आमे ना जे लाल चेवे ई जो ही उठो राजा ही मने मौजजा बता रहे उंडी न बता रहे या रसूलल्लाह को मौजजो बता रहे तदे हुजूर कहता जिब्राइल आने मौजजो अल्लाह चे तो करो बता रही या रसूलल्लाह आके झोगे लगे इख्तियार है आके सजी कायनात आजे हाथ में उती तो मफातीह खजाइन الارض والسماوات लाव रब العرش जिसको मिला जो मिला इनसे मिला बटती है कौनेन में नेमत रसूलुल्लाह मंगो आके मजा थी बता हुजूर चेता मुजो रब कुर चेतो जिब्राइल अर्ज क्यों जे या रसूल अल्लाह आजो रब ही चेतो जे साइट जा मौजजा वतारे के छड्यो आजी पिंड जी जात ज आला करे नी ला करे मौजजो है करो इन्हीं के चो के चाली वरे आऊं अजे विच में कटे आए मुझे चाली वरे आई डेटा चाली वरे में सत वरे जो उसे मक्के अची हुई है ठीक है पहला तो होना कबीले बनू साद में उसे हजरत साई अली मावटे वरी त्रे वरे पंजे वरे पाछो आयो से वरी हुज्जत से कोठे व्या सते वरे तो फाइनल अची हुई से माँ पन रजा करे व्या बापा बचपन में रजा करे व्या वो मुझे चाचा और दादा वटे जिंदगी कटी अब्दुल मुतलिब दादा रजा करे व्या सत वरे वटा मक्के वाला मुके दिसी रिया आयो सत वरे अठ वरे नौ वरे दो वरे मुझा दादा व्या चाचा अब्दुल अबू तालिब व्या अब्दुल मुतलिब व्या उठिया जे विच में चारियो बकरी चारियो इन अरब के सीमारे में फिरे उसे इतेज धन मारिया इतेज वडो थियो से 40 वरे आजे विच में कढियाई ए पुचा मोहम्मद नी के चो के 40 वरे में आई बाजारे में कूड़े कोछिया आई धंधे रोजगार ता वेरिया आई पढ़ाई उठनी है के पण डोई ने पीता आई किडाग न किडाग जुल्म किया उकास जी मंडी में गरीब जो माल हड़प किया आई दादागिरी किया आई झगड़ा किया आई काबे में उगाड़ा तवाफ किया आई शराब हलाया आई हिकमे नजूमी से मिली अने ठीक लगो ही दंदा किया आई किडा न किडा तिजारत में चीटिंगू किया पड़े मक्के वाला पड़े सुनो औ 40 वरे आजे विच में कढी आई आजो हिकड़ो लखण मुंह में आयो हिकड़ी आदत पण न का वास वसे अड़ी बुद्धि अचे जड़ी वास वसे अड़ी बुद्धि अचे आई बकरी जे बच्चे के लवारी के सी जे बच्चे लवारी के खड़ी ने वग में छड़ी अचो ई वडो थिनो तो ने बकरी बिरुद फिर दो वास वसे अड़ी बुद्धि अचे मौलाना रूम ते घणे लिखियो है ताऊ आजे विच में 40 वरे कटिया 40 वरे पुठिया आजे कल्चर में ही है जे अकल अकल जी डाड़ अची रही हाने आऊं समझदार ने मनो ता 40 वरे आजे विच में कढी हिकड़ी आदत पण रज़ील ने घटिया आदत जो को जमाने में है वराए ई मुंह में डठा मुके खोटो बोल दे डठा ना ना अंत सादे के बने सादे मुके खयानत करी दे डठा अरे आई ता मक्के पाक में औरतें के पिंडी हवस जो शिकार बनायो था मारू आई पिंड आज जवान दीनू किडाक वेणू होए त सगे भाते वा भरोसो न करे पर मोहम्मद ते भरोसो करे ने नियाणी छडे वजो था आम आजी कोई आदत मुंह में डठा तने यक जबान मक्को चई रियो है ए मोहम्मद तो जड़ो कोई असा ना नेठो हुजूर चेता फकत लबिस तो फी को मुअमर मिन कबले ही अफला ताकिलोन औ 40 वरे आजे विच में कढी आ जेड़ो नाए बने उसे ने मुझे सीताने ते अटल लिया ईज मुझे मोहम्मद नबी होण जी दलील पहलो मौजज़ो हुजूर जो अच्छा हाने मौजज़ो वरी एड़ो कि 40 वरे जी जमार वधारे कि 23 वरे जी वधारे पूछो 40 वरे वधिक ध्यान 40 वरे मक्के में हुजूर रिया मक्के वारे जी हिकड़ी आदत हुजूर में ना आवे हिकड़ी आदत हुजूर में ना आवे अने पुठिया 23 वरे दुनिया ते कढिया 63 वरे पुठिया जाहिरी पर्दो करे 23 वरे में अरब छड़े ने तबलीग ला हुजूर में मुल्क लाए रिया
न यमन विया न मिस्र विया न मुशाम विया न सीरिया विया न इजिप्त विया न रूम विया खातू किताब लिखी वो पर भी मुल्क न विया इन मक्के मदीने के छड़े अरे चाली वरे इन माशरे में कदी हिकड़ी पण आदत पिंड में ना चिला देनो अने तेवी वरे मुस्तफा ऐलाने नबुवत पुटिया कदियो अने हुजूर जो मौज सोई है जे तेवी वरे में जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला चाली वरे जीऊ हिकड़ी आदत पिंड न गेरो पण त्रेवी वरे में पिंड जो मरे आदत वनी के डनो केड़ी उनेनो उज अरब जो मक्के जो माशरो के जो जेजियो बदतर हालत हुई जो खुद न थे राह पर औरों के आदी हो गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया एक अरब ने आदमी का बोल पाला कर दिया खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया इधर हुजूर जड़ो कोई नहीं अल्लाह ताला फरमाए तुझे لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم انی مزاج رسول انی مزاج ہوں دے ہاں جڑو نہ اڑو کڈے تصور مکئی جا جی آئی مجھے رسول او ہاں جڑو نہ تو تھئی سکے تا ایوں جڑا کڈے تھیو کن ریتے مجھے رسول جو مقابلہ کوئی نہ کرے ہڑے رسول کے مولا ہلائے کولا ہڑو رسول کرے لالا अल्लाह ताला फरमाए तो जे हलाए जी हिकमत ही है यतलु अलैकुम आयात पेलो का ये रसूल इतरे लाए हुए जे आई मक्के जा वारिस है सेंटर है दुनिया जो शहर है मक्का पण आमे इतरी गुमराहियो ने इतरी गलत आदतू आवई हुई जे आंगूटा छाप थी गया आके पिंड जो खत वाचनो होए ताई बे जा मोहताज आयो यहूदा ते कब्जो करे बैठा है ऐं बे जा मोहताज थई वया आयो मुजो रसूल इतरे ला अलाए वे यतलु अलैकुम आया तेना ताके मुजो आयतु आके पढ़ी अने आजे दिले के रोशन करे कोई आजी जहल दूर करे ने इल्म जा संबंध आजे विच में जारी फरमाए जी कुरान चे यतलु अलैकुम आया तही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू लफी दलालिम मुबीन आई त खुली गुमराही में आयो मुजो रसूल इतरे लायो है ताकि इनके जो को ओडो अचे ताकि अंधकार में जा कडी ने उजाले में हलाए ई रसूल इतरे लायो है जहालत में जा कडी ने इल्म जी रोशनी दे जुल्म में जा कडी ने अदल जा परचम लहराए रसूल इतरे लायो है कि अल्लाह ताला जी बारगाह में आके कुर्ब डेराए जहन्नम जे रास्ते ता हटाए ने जन्नत जे रास्ते को रहलाए रसूल इतरे लायो है जे गुलामी जी जंजीर के तोड़े ने आके बादशाही अता फरमाए रसूल इतरे लायो है ताके दुनिया में आके सर बुलंद कौम फरमाए अने वाकई कौम सर बुलंद थई के जो को बे मोहताज हुआ एकड़ो वक्त आयो जे रसूलुल्लाह जा सा उ असा बनी ने चमकिया कि दुनिया जो हर माड़ू हर इल्म गनेला मोहम्मद मुस्तफा जे गुलाम जो मोहताज थई ई हुजूर अलैहि सलातो सलाम जे अचन जो अल्लाह हिकमत बयान फरमाए अल्लाह जो रसूल अलैहि सलातो सलाम इन दुनिया में तशरीफ गनी आया पा ईद मिलादुन नबी मनायो ता खाली झंडा लगाए जो नालो ईद मनाण ना खाली खाओ ने न्यास खादे जो नालो ईद मनाएं ना खाली गाड़िए के सजाए उठ घोड़े के सजाए ने जुलूस ने रैली कडी ने पेपरे में छापे ला करे इन जो नालो ईद मिलादुन नबी ना तने अल्लाह फरमाए तो हर साल ईद अचे थी मुझे महबूब जो जन्म अचे तो आई पिंड के बदलाए ला करे अगी आचो आई वदो आजी इच्छा रखो कि हाने इतरा वरे ही कटिया हाने की खासा बने जी कोशिश करियो आई मेहनत करियो फजल उन जी हवाले ई न सोचियो जे असा वटा करो थिंदो अरे अबू बाबू कुआफा वटा किए न थयो पर अबू बकर नबी कता ऊंचो बनी रयो खता वटा किए न थयो पर उमर फारूक आजम 23 लख मुरब्बा मेल जो बादशाह बनी हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन खुद रिवायत करिए त हज पड़ेला करे आया अने जर हजला करे आया तो सियाबाए किराम जी कियादत हजरत फारूक आजम वटे आप फरमाइए था कि हज पड़ी अने रिटर्न थिया सी तने मक्के पाक थी मदीने वेंदा हुआ सी एकड़ी एड़ी जगह होई कि जिते हजरत फारूक आजम मिनी सियाबा के चो उभी जाऊं अचा तो सियाबाए किराम मड़े उभी रहा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नचवर थई आया न मौला अली अल मुर्तजा के मिनी चो के जरा नेरे ता केड़ा वया हजरत मौला अली न्याल लावे हजरत उमर एकड़ो रेती जो नेड़ो टीलो है
निंदन जे नाणे या किथे किथे कहिड़ा टीला बनिया पिया कोन चवाज डोआ डोआ रीति जो अहिड़ो डो उनके उन बाजू में जाड़ उते वही अने रीटी धोबा भरे ने वसी रुए वेठा ने अजब हाल है मौला अली वही खंभे से हथ रख हजरत उमर ही निहार अली अमीरुल मोमिनीन आके कहो द्राह इतने रुए वेठा इकलान में कोई आके उपाधि है कोई हुकूमत जो दबाव है सल्तनत रूम हुए के ईरान हुए के यमन हुए के मिस्र हुए केडा कोई कांते दबाव है कुरो है आई कोई पीड़ा में आया आई कोई बड़ा धिजी गया आए करो इकला वही ने रुआ था हजरत उमर खिली ने चेता अली ये उमर है उमर दुनिया जे कोई बादशाह बड़ा धिजे ई इनके मोहम्मद सोती ना जा मुझे महबूब जो को मुके खाराए हो ई अन डाणो एड़ो ना जे बादशाह बड़ा धिजा वो तडे रुओ को लाता चेता ने मिणी के सद करे को किसो सुनाई मड़े आया उड़ा असा सवा लख मो बेश ताबई भी कुरेला रुओ था हजरत उमर चेता आके आऊं पूछा तो आऊं के रहिया मारे चो आई अमीरुल मोमिनीन है मुसलमान जा अमीर है हजरत फारूक आजम चेता अमीर या खलीफो या है वर 23 लख या 22 लख मुरब्बा और चौरस किलोमीटर जो बादशाह या अने दुनिया है इस्लाम जो बादशाह जी सल्तनत रूमा मुझे नाले से दिजी थी केसर ने केसरा मुझे नाले से भेजे था अरे मुझे सिपाहियों जो ये हाल है कि दश तो दश थे दरिया भी न छोड़े हमने बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े ये मरे मुझी भाए इतरो दबदबो है पण पूछा तो करयो आऊं अइया के साईं आई तो मरे आयो चे ना आऊं एकड़ो अरब जो कुरैश खानदान जो बनु उमैया जो एकड़ो निंडो खता मुझे पी जो नालो जो तो करई ना ना साईं ही तो आयो ही आयो चे ना हीज जगिया हीज मको हीज ढोल हीज जाट मुझे बेवटे खानदानी सत या अठ उठड़ी हुई एकड़ी रेवाई तो त्री बत्री उठड़ी हुई चारे लाचा हते से चारे लाचा तो हाने कोरो जे तिड़को ने उठे जो खीर गेन चढ़ाए से जाड नीचा कदे हीरी कदे हु जाड रही से ते पत्थर जो ये उसी को तकियो बनाए अने सुमीरा वो मुझो पे विचई थई वे घरे न पोजा गोते लाचे मुके हते सतो दसी अने कदे कदे लते वजे कदे लकड़ी एड़ी वे ती ठोकाए कदे को धून दई ओथियारे अने चे जे पुत्र खा उमर तो वटा चार पंज उठनी नतियो चरिए वडो थी ने पुरो कई ने ई मुके मीणू दे मुझो पे अज जटाने हता वटानु सेन तदे उ जमानो मुके याद अची हकरो उ उमर हो जे वटा उठनी नते चराई आज ई उमर है जो को 23 लाख जमीन जे क्षेत्रफल जो मालिक है अन हेडे वडे मुसलमान है जो अमीर है अरे पुछोता खरा के उमर ही थियो करो ओच दो त सुनो मुस्तफा जा गुलामो खताब जो पुत्र तो उमर ऊचे के जे वटा उठनी नते चराई पड़ी मुझे खानदान या मुझो कमाल ना है जैसी मोहम्मद जो गुलाम न बने उसे उठड़ी नते चराई अने मुस्तफा खड़ी गलो तो जमाने जो बादशाह बना देनो जब तक बिके नते कोई पूछता न था तूने खरीद के या रसूल अल्लाह अनमोल बना नबी अलवल पावटे हर साल अचे थी पण पाके नियती रखनी कबे जे की बदलो ऊज आदतू पामे रजील अने हसील आदतू मुसलमान एड़ी कौम है अने एकड़ो बियो बोल चई दिया याद रख जा एवर जी तारीख में पूरी दुनिया इकट्ठा थई वी है पूरी अकवाम पूरी सल्तनतू पूरी दुनिया एवर जी तारीख में पिंड में सोरी ते टुटल ही पण एकड़े एकड़े मैटर ते कौम नहीं मड़े बेरा थई गया एकड़ी चीज मथे कि इस्लाम के ने मुसलमान के मिटाए पूरी दुनिया इनते मुत्तफिक है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया भरया पिया पूरी दुनिया मुत्तफिक है अने किडा न किडा एड़ा एड़ा कई चुंडेला पाम जा पण उनी से जुड़ाड़ा है कि जो को मुत्तहिद थियाई के इस्लाम के मिटायो मिलादुन नबी जे मौके ते पैगाम दुनिया के दियू पा के इस्लाम के त पहला न मिटाणू आई त 1400 वरे पुटिया कुफरस्तान में आया आयो अबू जहल इस्लाम के न मिटाए सकयो ओ हजरत अबू जहल न मिटाए सकयो उतमा न शैबा न कोई न मिटाए सकयो हत्ता के यजीदी कीड़ा पण न मिटाए सकया इस्लाम कोई मौलवी या पीर
या आगे वांदी चाकी नए दे में दी वजे इस्लाम मुस्तफा जे ताइत में पत्थर खाते जो नतीजो है कदे नहीं मिटे। इस्लाम दंदाने मुबारक की शहादत जो नतीजो है कदे नहीं मिटे। इस्लाम की रगे में सरकार इमाम आले मकाम जो खून है कयामत सूदी इस्लाम ईचो ही चमक दो जरो रेओ। सवाल पांच इस्लाम के मने इस्लाम तो कोई नहीं मिटा सके बाकी इनके मनण वाला मनण वाले के कोई नहीं मिटा कारण कि मनण वाला इन कुंतुम मोमिनीन ला तहनू वला तहजनू अंतुम लालो रब चे तो मुसलमानो हालात दिसी ने दृज जाना के कोरो थिंदो ना ई नेरी जाय गमियाना हालात बदले आ जो नुक्ता ए नजर कमाल आ जो हिकड़ी हस्ती ते होए मोहम्मद मुस्तफा इत्तिबा पैरवी दिल से मोहब्बत पण होए अने अमल में देखाओ पण हुजूर जी गुलामी जो होए इत्तिबा ने पैरवी होए आ जो मरकज ए अकीदत पण मोहम्मद मुस्तफा होए आ जी मोहब्बत जो महवर ए अतम पण मोहम्मद मुस्तफा होए आ जो अमल जो पर अमल जो फैजान स्थल पर मोहम्मद मुस्तफा होए आई इत्तिबा ने पैरवी में सच्चा मोमिन बनी ने रो 313 के कोई न मिटाए सकया था आंखें करे मिटाए सकया 313। अच्छा मुसैलमतुल कज़्ज़ाब एकड़ो एड़ो यमन में जा पैदा थियो जो को नबूवत जो दावो कहे नबूवत जो दावो एकड़ी औरत ने करी ई अड़ा 3-4 जणा मणे बेरा थई गया वो मानिया ने ज़कात ज़कात तो इनकार कयो ई मणे मुत्तहिद थई गया अंदरो अंदर कहला मुसलमान ने अबू बकर सिद्दीक की सल्तनत थगावे जो अने ई मुसैलमतुल कज़्ज़ाब नबी है इन जी नबूवत जो ऐलान करे हुजूर पुछिया कोई नबी नहीं है थे हजरत अबू बकर सिद्दीक मशवरो के जो कुर कई नहीं के जंग लड़े जे पोजीशन में नहीं हो फारूक आजम ने ओ के माज बिन जबल ओडा ले आवे कोई हुजूर लश्कर रवाना करे वे दो जी हयाती में पाछो बोला गया अबू बकर फरमाया था मुझे महबूब अमल करे वने इनके अबू बकर पाछो लीको कडे एड़ी ते अकीदत मुजी ना एकड़ो नहीं वारी तने के एकलो पण इनी से वड़तो तड़े असाबे मणे दिनो साथ हाणे इन्हीं असाबे में खालिद बिन वलीद अबू बकर वेरा जंग यमामा यमन की सरहद पे लड़ाई जंग यमामा चालू थी ऊ मणे 17,000 मथे हुआ वेरा वेरा ते ने पुजी आए तारीख में अचे तो जे सियाबाए किराम ने उन्हीं जे विच में अड़ी जंग थी कि असाबे जा पग उखड़ी गया मैदान छड़े ने भजी जी तैयारी हुजूर जा गुलाम सियाबाए किराम अबू बकर जा हलायला खालिद बिन वलीद जी से पेश आलारी में ई मैदान छड़े ने भजे ई करीब हो जे भजे हजरत खालिद फरमाई ता हूं मुसलमान ने जो डंग सही करे वो कर के हाने हाने हुजूर जी गुलाम जी शान करो है हजरत खालिद चे ता घोड़ी मते होसे नहीं जी मदीने कोरा मो के खालिद बिन वलीद आ यमन में जी सरहद में जंग चालू है अरब दिछे तो ही मो मदीने कोरा करे बियो किया ना क्यों खाली इतरो चो के या मोहम्मद आगिसना वंसुरना अखबरना ए मोहम्मद हनी मुसलमान जी खबर गिन हनी जी मदद लाज अज रुए जमीन ते हक परस्त कौम सिर्फ ही है अगर ही हरी रिया तो दुनिया ते कोई मोहम्मद तो जो ना गिने वारो नहीं वे ए अल्लाह साजी मदद फरमा इतरो नारो लगायो खुदा जी कसम एड़ी कोई थदी हवा आवई ने हौसला असाबे जा बुलंद थिया असा के एड़ो लगो जे खुद रसूलुल्लाह मौजूद ही ना सी जंग लड़ी रिया ने अल्लाह ताला असा के फतह अता फरमा मुसलमान अकीदो ही रखनु गपे पाके के पा किन दौर में पण कोई जा मोहताज ने गुलाम नहीं अगर कोई पीर मुसलमान जो लीडर ने पीर होए पीरे तरीकत होए अगर हुजूर की उम्मत के खाली खींचा भरेला करे रख दो है तो इन पीर जी उम्मत मोहताज ना है। अगर कोई मौलवी खाली तकरीरों करे ने पिंड जा खींचा भरेला इन उम्मत के वापरींदो होए तो इन मौलवी जी उम्मत मोहताज ना है। अगर कोई आगेवान पिंजा वोट कमायला करे इन कौम के वापरींदो होए तो अड़े आगेवान जी पर ही उम्मत मोहताज ना है। ही उम्मत काल पर मोहताज मदीने वारे जी हुई अज पर मोहताज मदीने वारे जी है। अहमद रजा अकीदो डई ने व्या उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम लिल्लाह الحمد में दुनिया से मुसलमान बाकी अकीदो ही रखनो खपे के हुजूर अलैहि सलातो सलाम पांजी मदद ना आई पर पाके पांजी रविश बदलाई
पांजी आदत बदलानी खपे। रबीउल अव्वल के मीलाद नबी जी वी दी है के पा हर साल एक एकड़ी आदत पिंड में जा कडो, प्यार ने मोहब्बत के आम करी दे, आदतों गलत कडो, मुस्लिम सोसाइटी के पाक करे जी कोशिश करियो। अगर कोई जानी है तो रबीउल अव्वल में तोबा करे जी आईदा जिना नहीं करिया। अगर कोई शराबी है तोबा करे के शराब नहीं पिया। अगर कोई जुआरी है तोबा करे के जुआ नहीं किया। रमा हर साल बुरी आदत है के कडे जी ईगो घमंड तकबर पामे नफरतू अदावतू कदूरतू कडे अने समाज अगर बदले जी कोशिश करे तो अल्लाह ताला जो ई फैजान है जे रब फरमाए तो मुजा बंदा बदल तू मदद करण तो जे रब तो कम है बस कोई तो जी कामी आ माटे ने ईद मिलादुन नबी जो पैगाम अने मैसेज पाला करे ही है के पापा जी आदतें अतवारें अखलाके के बदलाए अने हुजूर जी मिलादुन नबी के मनायो। अल्लाह ताला पाके सुध बुद्धि दे के पा हुजूर जा उम्मती आयो मन अरफ नफसहु फकद अरफ रब्बहु जो को पिंड के ओड़खियो ई जा अल्लाह के ओड़खे। अगर पा पिंड के न ओड़ख नहीं वडे पे जो पुत्र होए ने की बुराई करे तो हाने तो दुनिया चढ़ाई वाली पैदा थी भी कर वांदो न वांदो तोखे करो पर नका माड़ू चंदा वा यार तोखे ही न सोबे तू पुत्र केड़े पे जो कने दुनिया ही चोदी तोखे ही न सोबे ब्याह करिए तो तू रोकिए तू ही करे रे हेडे वडे पे जो पुत्र थई हेडे वडे खानदान में थई ने यार हेड़ा कम तोखे न सोबे कने दुनिया ही चोंदी। अरे भाई जने एकड़े पे जो पुत्र थई बुराई करे तो दुनिया ही चे मुझो रब कुरान में पाके चेतो जे मुझे महबूब जा गुलाम ई बुरीयो आदतों कढी वे तो जो कम ही ना है। तू कोई वडे पीर जो पुत्र होए के ना होए खानदान में होए के ना होए वो मुझे हबीब मोहम्मद मुस्तफा जो उम्मत ही जरूरी है। इन निस्बत के न्यारे ने अल्लाह ताला पाके पांजी रविश अने आदत बदलाए जो तौफीक अता फरमाए पाके सौथी पहला हिन वक्त अशद कौमे मुसलमान के जरूरत है आई जिकी आया आयो मड़े एकड़ो पैगाम खणी ने वणो पिंड पिंड जे गामे में पिंड जी जमाते के मजबूत करे। एकड़े गाम में त्री घर सिंतेर घर पिंजा घर 150 घर पिंड में सत टुकर अने कोई वडी झगड़ो न मामूली गा पिंड जो ईगो पिंड जो घमन पिंड जी वडप मुआरी हले कोला न। अरे तुआरी हले के ना हले मदीने वाले जी गाम में हली वणे तो तोजा बेड़ा पार पिंड के मुत्तफिक करया। अल्लाह ताला दुनिया जी टोड़े जी साजिशें थी पांके बचाए अने दुनिया के समझे जी कोशिश करया। उम्मीद मिलादुन नबी जे इन मौके ते अल्लाह ताला इन वलियन जे पिड़ जी बरकत से पांके मुत्तहिद अने मुत्तफिक रे जी तौफीक अता फरमा। हुजूर जे पाक दीन जा कम करे जी तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला कुरान मजीद जी इन आयत के जरिए पांजे दिले जो तस्दीओ फरमाए। हुजूर जी मिलाद जी बरकत से पांके अल्लाह ताला दिल साफ रखे जी हसद कीने अने बुग्ज अने अदावत थी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। छेली गाल करिया गलती कोई पण करे अगर शरीयत के खिलाफ गलती होए अने इन गलती से समाज में गलत ज़हन वेंदो होए त निंडड़े से निंडड़े माड़ू के पण अधिकार है जे गलती करे वारो गमे एतरो वडो होए ते के मां जले ने ते जे तो जी बुल मुस्लिम समाज के नुकसान पुजाई थी। अगर कोई न तो कुछ है तो कयामत जो दी खुदा उनके कुछ कुला न कुछ क्योंकि तो उनसे गरज हुई वो रिज़्क अलाई थे वो तो ये पर साहू देवे कुला न कुछ है। हजरत फारूक आजम जरो कोई बादशाह करो छली जी गाल हजरत फारूक आजम ओटे एकड़ो जानू बंदो आयो पूछे उमर फारूक आजम आऊं ताबई या फलाने गोठ में ओडा रहा था अने तिजारत करिया तो बे देसे में वणा माल सुने ला बेटी बो वरे मोर घर छड़े ने वेओ ही केतरा वरे मुनिया ध्यान देओ डोगा 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 तान न करे बो वरे घर छड़े ने वेओ ही कि बो वरे पूरा थया 5-8-15 दी वारे बो वरे पुठिया घरे आयो से तो ताजो भी डटो जी मुजी घर वरी हमल से होई उम्मीद से तो मुके यकीन है जी मुजी घर वरी मु पुठिया किदा न किदा गलत कम में मुलवस थई है दाए अमीरुल मोमिनीन आवन घरवारी के ओडो ना थियो से ने रात जीती कटी ने सुबह जो इंसाफ ने लायो तो फारूक आजम जो इंसाफ कर कया जे मुजी घरवारी जिना कराए मुके यकीन है अने ई बच्चो पेट में मुजो ना है इतरे लाइन के सजा दियो
फारूक आजम अदालत गौर से सुन जाओ ना, गौर से पांच मिनट भले भीड़ थी ये पाजी जो को अगली नस मई रही है ना ना यार इनके न चावा जी पांजो वडे रो ई भले गमे ना डाठी आ दे पाकी ना चावा अन इन में डाट वरी हुई सजी ए यार ई तो मौलाना साहब है खबर हेडो वडो यबरो आलम है हेडी तकरीर करे तो इनके न चावा कौन न चावा जी बापा जी शरीयत है आगेवान जी शरीयत है कोई पीर तरीकत की शरीयत है कोला न चावा जी हजरत फारूक आजम मटे हु ताबई बाजू में रहंदो आयो आई तारीख की किताब है ना मने मूल में चले पूछा करी जा आयो फारूक आजम इंसाफ करे फारूक आजम अदालत लगाए जब इंसाफ तो ही है जे शादीशुदा औरत अगर जिना करे तो रजम करे ने जे रजम जी माना ही है जे पत्थर मारे और जैसे मई न रहे तो काल ऑर्डर करिया तो इनके अड़ी जगह बनल हुई सजा देने एते पत्थर मारो करे में बस फैसलो करे तो उम्र जो फैसलो फारूक आजम सामने कोई चैलेंज करे फारूक आजम के जे तो फैसलो है तो कोई चे शरीयत तो उम्र थी पण वडी है रसूलुल्लाह जो दीन है ना ये उमर फारूक आजम थी वडो है उमर फारूक आजम शरीयत थी वडो ना शरीयत थी वो नडो जड़ो ही फैसलो करे नी मस्जिद नबवी उपा थी है ऐसी हजरत अबू जर गफारी बैठा ना हजरत 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 माज बिन जबल बैठा हजरत माज बिन जबल उबा दिया उबा दही ने चेता उमर आज फैसलो अहले इस्लाम के पसंद ना है पिंडकी न चाहो मुसलमान है कि आज फैसलो पसंद ना है फारूक आजम से बोला भाई शादीशुदा औरत के मर्द अगर दही औरत से बुरो कम करे तो उनकी सजा ही है पत्थर मारे मई रहे हम बराबर फैसलो किया है हजरत उमर चे हजरत माज बिन जबल चेता है फारूक आजम ऐ अमीर المؤمنین है वडेरा है मुके पुछनु न खबे पर रसूलुल्लाह जो दीन ही चे तो ये हेड़ो ज किस्सो को हुजूर जे जमाने में बने हो वो हुजूर को फैसलो कियो पत्थर मारे ने मारे जो बल्कि माज बिन जबल चेता आऊं अखे से डठो कने से सो रसूलुल्लाह फैसलो ही कियो कि औरत जैसी बच्चे के जन्म न दे तैसी इन केस जो फैसलो नहीं आई डायरेक्ट फैसलो करे वेदा इंतजार करे औरत जन्म दे इन पुटिया फाइनल थींदो जे सजा थिए के ना नका के नका औरत गुनो के उ मासूम बच्चो को गुनो के जो को पेट में बखून थींदा एकरो औरत जो इनके ता सजा मिली है पर बच्चो नाक जो कफाए रहे इतरे ला करे इस्लामी रजा न तो दे कोई जो जान बिन इंतजार करे फारूक आजम चाहता ठीक है माज बिन जबल जी राय बराबर इंतजार बापा वन तू तो जी घर एडा बच्चो अचे त अची जे त्रे महीना कटे हो केतरा अटी त्रे महीना कटे एकडी रेवा इत में छे तू उनी वीडी कटे उन जे घर छोकरो जन छोकरो इतरो वडो जी अगला बो दंत निकरी आया वा ई अगला दंत निकरल 17 एरडो वरे पुठी आजी मेडिकल साइंस इन वाके ते तहकीक कयल आई मरे यूट्यूब ने ई गूगल आते हाथ में तपास करे लिख जा करो रिसर्च से आजी साइंस ने वो वरे पुठिया छोकरो जन्मयो दंत निकरेला अने छोकरो सजो पी जड़ो अने वजन पड़े तो जितरो बोवरे जे बच्चे जो वजन होए हाइट पड़े तरी जितरी बोवरे जे बच्चे जी हाइट होए दिखाओ पड़े तो जितरो बोवरे जे बच्चे जो दिखाओ होए अजी मेडिकल साइंस इनके कबूल करे थी कि 6 महीने बच्चो जन्मे 7 महीने जन्मे 9 महीने जन्मे 11 जन्मे 16 जन्मे 13 जन्मे 21 जन्मे ने 23 में जन्मे अजी मेडिकल साइंस जो मत रिसर्च है इता गूगल में देख पियो आई न्यारे गन जा एतरे ई छोकरो जन्मन उन जे खोरे में उबाई जो को गाई हुई छोकरो जड़ो डने तन जी चीख निकली अल्लाहु अकबर कबीरा वल्लाह हाजा इब्नी ऊच मारू जो को फैसलो कराला वयो धणी ई चे तो खुदा जी कसम ही त मु जोज पुत्र है हणे हणे हलो उमर वटे बेत्रेनी या फारूक आजम मते अदालत लगी उमर जी उ अची ने चे साईं भूल कई थई माफ कई तदे कुरथियो उ चे साईं पुत्र मुजो जे मु जेड़ो अने वाकई गो वरे जी हाइट है अने बसी असानी धायु पर एड़ो अरब में चेता मुजो ज पुत्र है हजरत फारूक आजम उबा थई गया गलती एक सब कहणो पण जिहाद जो कम है जिहाद जो गलती कबूल अगर हम जा को बोल थई ने चे कि मौलाना साहब यहां जी बोल है तो दलील न करिया सच्ची बोल होए तो कबूल करिया इए खोच करे जवाब दे दिए वाकई बोल होए तो स्वीकार करिया जे सच्ची गाल बोल गलती मनण से कोई नडो न थई
हुजूर फरमाइए ता गलती होए ने माफी मंगे इता मंगनी जाए भूल न होए ने तू माफी मंगे इनमें तो जी इज्जत घट रही थी मोहम्मद तो के खुदा वटा इज्जत लेराई दे। हजरत फारूक आजम उबा थिया मस्जिद नबवी में उबा थई अने उमर मिंबर ते उबी ने फरमाइए ता बखन ले उम्मे समझदार पुत्रे के जन्म मीनी रोनियो तो मुस्तफा जी उम्मत कदे गुमराह नहीं थी। हाने फारूक आजम खुद फरमाइए था लो ना मासिन ले हलका उमर इब्न अल खत्ताब आज इन फैसले में अगर मास बिन जबल ना होए तो उमर का वडो हलाक थी गई। फारूक आजम को फैसलो गलत करिए ता चावा थे अने पान वटे ता अल्लाह रहम फरमाए फैसला केड़ा थिए ता ने आई ते मणी के सुनणो जता अने इन में असा जड़ा को उनी के टेको दे दिए केड़ा केना केड़ा केना 100 रुपया दी होए के 500 500 ने 5000 ने 5 लाख दिना हनी जे मुंह ते मारया। फैसलो हमेशा इस्लाम कोरा हुनु खपे सच्चाई होनी खपे दयानतदारी होनी खपे उम्मत मुस्लिमा में जो को चीजू मुजिर अने नुकसान दे रही हुई जो को पांजे विस्तार अने इलाके के टोड़े वेदो हो अल्लाह पाके समझे जी तौफीक अता फरमाए अने मुत्तहिद थियो पिंड में भेगा थियो एकड़ो माड़ू अगर सजी जमात के टोड़े रहयो है एकड़ो माड़ू सजी इलाके के टोड़े रहयो है ते एड़े कंडे के बाहर कढो के जेजी वजह से कौमू टूटनी हुए अल्लाह ताला सलामत है अमन पसंदी मथे रहम दिली मथे रे जी पाके तौफीक अता फरमाए अने अल्लाह ताला अजी मिलाद जे जलसे जी बरकत से जकी चंद मारू जात किया इनमें कोई भूले चुके भूल चुक थई वे अल्लाह इनके माफ फरमाए सही जे सदके इनी वलिए जे पिड़ जे सदके अल्लाह ताला पाके अकीदा अहले सुन्नत अने इस्लाम मथे हमेशा माटे कायम रखे जी तौफीक अता फरमाए वमा अलैना।